Assalamualaikum everyone. माशाल्लाह से ईसा आज हो गया है 1 month और 17 days का और हम लोग जा रहे हैं कश्मीर. वहाँ जाकर हम आपको अपना पुराना घर भी दिखाएंगे और नया घर भी दिखाएंगे. मेरा छोटा सा मैंगो उठ चुका है, अब मैं अपने बेबी को रेडी करूँगी. पारू मेरा पैक हो गया है अच्छी तरह से. अब हम बेबी का आउटफिट डिसाइड करते हैं. आई थिंक वी शुड गो फॉर द ग्रे वन. ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस ये सके शूज़ और कैप्स रह गई हैं. अब हम वो रख लेते हैं. कैप्स आई थिंक 3 to 4 रख लेनी चाहिए. हमने शूट भी तो करना है ना. अब रखते हैं हम इस सके शूज़. This one is my favorite one. Actually मुझे इस तरह के शूज बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए मैंने ढेर सारी कलेक्शन रखी हुई है. अभी ड्रॉअर में बस इतने हैं. I think इतने इनफ रहेंगे. Finally पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट और देखते हैं इसे क्या कर रहा है. ईसा अपने दादू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा क्योंकि सब इसको बहुत मिस करने वाले हैं. चलिए हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं. ईसा के लिए हम पानी साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है ईसा को वहाँ का पानी सूट करता है या नहीं करता, तो इट्स बेटर कि हम साथ ले जाएं. फाइनली सबसे बेइज्जती करवाने के बाद हम लोग जा रहे हैं क्योंकि सब ने बोला था ईसा की पहली सर्दियाँ हैं तो आप लोगों को नहीं जाना चाहिए. खैर अल्लाह दे वाले. ईसा पोटी करने के बाद पुरसकून मामा का सुकून बर्बाद करते हुए. फाइनली 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर. गुड मॉर्निंग, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7. चलिए घर देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं. नेचुरल वॉइस इतनी प्यारी है कि मेरा बोलने को दिल ही नहीं कर रहा. वाजी वाह, आज तो सब सुबह सुबह उठे हैं. मैं बेबी अभी भी सही सही कर रहे हैं. माशाल्लाह
सज के जाए मम्मा। अब हम करेंगे ईसा को रेडी और फिर हम ईसा का करेंगे बारह बारह शूट। टन टन, फाइनली ईसा रेडी हो गया है। अब मैं करूँगी ईसा का बारह बारह सो फोटोशूट। मुझे लगता है ईसा ना सिर्फ इधर सोने आया हुआ है। चलें जब तक ईसा सो रहा है हम बाकी जगह घूम के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ये है हमारे घर की बैक साइड जिधर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो बकरी, मारते हो? इनमें से हमारी लैंड कौन सी है? ये सारी वो नीचे गारनी है, वो हमारे 90s के हैं, हमारे पुराने दादा के दौर के। ये येलो और वाइट जी, वो कुत्ता नहीं है हमारा। वो भी आ रहा है। और वो साइड पे पाकिस्तानियों के लिए खंबा, एंड अगर कोई बाहर से हमारे व्यूअर्स हैं तो उनके लिए टावर, इलेक्ट्रिक टावर। हम इसमें वायर्स हैंग करते हैं और वो दरख्त के पीछे बस थोड़ा सा ही पास है इंडिया। हाँ वो समझ लिया। ये सारी अपनी है, ये नीचे नीचे तक, ये सारी नहीं है, ये सेंटर वाली है, ये इनके पास है नहीं सारी। ये कोई होश नहीं, इनको पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब वैसे जो तोड़ी होती है बनाने वाली, जब ये पकती है इसके अंदर से वो जो कुछ इधर फेस पे स्क्रब करने के लिए भी यूज करते हैं। खोल के देखो, ये फाइनली हम लूलू द्वारा गई थी घर के घर वापस आ गए हैं। देखते हैं इसका क्या कर रहा है। चेक की जाए मम्मी, ये तो इधर ले तो वो सन बात ले रहा है। ठंड लग जाएगी पुत्र, दादू दादा गच्छी निकाल लेंगे। चलो अंदर चले। आई थिंक आज के लिए इतनी वीडियो बहुत है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।